मालविका देसाई और MD's गार्डन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, आज मैं खूबसूरत सा प्लांट मैंने जो पानी में ग्रो किया था कटिंग के द्वारा, उसको मैं मिट्टी में लगाने वाली हूँ। तो कौन सी मिट्टी में लगाने वाली हूँ, बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। तो अगर आपको कहीं से कटिंग मिल जाए तो आप ज़रूर इस तरह से लगाए। तो यही सभी बातें आज के वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करूंगी। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है वो सुंदर सा प्लांट। तो इसको स्वीट पोटैटो वाइन बोलते हैं और ये दो कलर में आती है, और मेरे पास ये नियोन कलर वाली, ग्रीन कलर वाली है। तो देखिए, मैं नर्सरी गई थी तो इसकी मैं कुछ कटिंग ही लाई थी, तो उसको मैंने पानी में ग्रो कर दिया 2 दिन पहले। तो देखिए, बहुत ही जल्दी इसकी रूट्स ग्रो हो गई है पानी में। देखिए, ये आपको दिख रही है छोटी छोटी सी, सभी कटिंग में ग्रो हो गई है और इसको ही मैं आज मिट्टी में लगाऊंगी। तो देखिए, ये कितने अच्छे से ये ग्रो हो गई है। तो देखिए, मैंने कुछ नहीं किया था, ये उसकी कटिंग करके ये 2-3 नोड एरिया जो होता है जहाँ से सभी रूट्स निकलती है, मैंने उसको पानी में सिंपल लगा दिया था। तो देखिए, ये इस तरह से ग्रो होने लगी। आप यकीन नहीं करेंगे पर इसको सिर्फ 2 ही दिन हुए हैं, 2 ही दिन में रूट्स इसकी ग्रो होने लगती है। तो देखिए, लगभग सभी कटिंग में ग्रो हो गई है। तो देखिए, इसको ही मैं इस जो प्लास्टिक का हैंगिंग बास्केट है उसको उसमें मैं लगाने वाली हूँ। तो देखिए, मिट्टी के बारे में बात करिए तो मैंने वेल ड्रॉइंग सॉइल ली है, तो इसमें 25% का मैंने रेशियो लिया है, गार्डन सॉइल, कोकोपीट, सैंड और कंपोस्ट सभी कुछ 25% लिया है। तो इस तरह से आप वेल ड्रेन सॉइल बना दें, और बिल्कुल सॉफ्ट सी भुरभुरी सी सॉइल हमें बनानी है ताकि इसकी रूट्स सभी अच्छे से इसमें सेटल हो जाए। तो देखिए, सबसे पहले ठीकरिया में ये नीचे रख देती हूँ और कुछ इस तरह से देखिए। ताकि पानी का ब्लॉकेज ना हो और अच्छे से पानी ड्रेन आउट हो जाए कितनी भी बारिश हो। और ये देखिए, फुल सनलाइट में चलने वाला प्लांट है। तो देखिए, अभी तो फुल सनलाइट में हमें इसको रखना ही नहीं है क्योंकि ये कटिंग है, तो 10-12 दिनों के बाद ही हम रखेंगे इसको सनलाइट में। अभी तो लगाने के बाद सेमी शेड में रख देंगे और हमेशा की तरह नीचे थोड़े सूखे पत्ते ताकि पानी अच्छे से ड्रेन आउट हो जाए। तो देखिए, ये अच्छे से मैंने सभी मिट्टी इसमें भर ली है और अभी कटिंग लगाऊंगी मैं। तो बिल्कुल ही ऐसे हल्के हाथों से गड्ढा करके इसको इस तरह से मैं रख रही हूँ और इसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी लगा दूंगी। तो देखिए, ये प्लांट की कटिंग आपको कहीं से भी मिल जाए तो आप ज़रूर लगाएं और जल्दी से ग्रो हो जाएगी और बहुत ही अच्छे से ग्रो होगी। तो इसका मैं अपडेट भी दूंगी कि कैसी ग्रो हुई है या नहीं हुई है। तो बहुत ही देखिए सिंपल तरीका है, और कटिंग लगाने के बाद बस एक ही ध्यान रखना है कि हमें इसको फुल सनलाइट में नहीं रखना है, हमें इसको अच्छी छांव वाली जगह पे रखना है। तो देखिए, ये कटिंग लग के रेडी है, अभी इसको पानी दे देते हैं और अच्छे से पानी देना है हमें। और जब तक नई ग्रोथ शुरू ना हो तब तक हमें इसको छांव वाली जगह पे रखना है।
तो बस आज की वीडियो में इतना ही। तो देखिए, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और साथ में बेल आइकॉन भी दबाएं, ताकि सभी नए नए वीडियोस की जानकारी आप सभी को मिलती रहे। तो नेक्स्ट टाइम मिलेंगे किसी और नए प्लांट के साथ, उसकी जानकारी लेकर। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।